लगा, इसमें देखोगे ना तो ऐसे लगा मुंह से मेरे गोली चला, धड़ 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 धड़। समझ लो आपके लिए ये जो कंटेंट है ऐसा होगा जिसमें आपका जीरो वेस्टेज ऑफ टाइम होने वाला है। चैलेंज गाइस कि आप 6 मिनट में इतना कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। आप मुझे एक वीडियो दिखा देना, नहीं मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल, दिस इज मी अभिषेक साहू। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में न्यू सेशन के बारे में। देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स हु वर कमेंटिंग, हु वर पोस्टिंग देयर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन कि सर न्यू सेशन कब से स्टार्ट होने वाला है, न्यू सेशन की डेट्स क्या है, वीडियोस लाइव होंगी या रिकॉर्डिंग होगी, आप क्या अलग देने वाले हैं इस वीडियो में। देखो मैं आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस वीडियो के अंदर जो आपके मैं आंसर करने वाला हूं। इसके बाद आपको नए सेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, वेदर यू आर इन 10th, 11th एंड 12th और प्रिपेयरिंग फॉर जेईई और नीट, ये वीडियोस आप सभी के लिए यूजफुल होने वाली हैं। और इस सवाल का जवाब सुन के जरूर जाएं कि व्हाट विल बी डिफरेंट इन आर वीडियोस दैट यू वोंट फाइंड एनीवेयर ऑन यूट्यूब विद प्रूफ गाइस, विद प्रूफ गाइस, बिकॉज आई बिलीव इन फैक्ट्स एंड आई विल गिव यू फैक्ट्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यह है कि विच क्लास आर वी गोइंग टू कवर। तो देखिए भाई मैं आपको बता दूं कि भाई हम क्लास 10th, 11th एंड 12th कवर करने वाले हैं। बहुत सारे जवाब दूंगा, नोट्स, वोट्स, ये सारी चीजें, वीडियो को पूरा देखें, आपको मजा आएगा। देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू गाइस इन द मिड ऑफ दिस वीडियो दैट यू विल गेट सून। नाउ तो क्लास 10th, क्लास 11th एंड 12th अलोंग विथ जेई एंड नीट, ये हम कवर करने वाले हैं इस चैनल पर इस सेशन के लिए। अभी तक हम बात करें सब्जेक्ट्स की, तो अभी तक इस सब इस चैनल पर आपको मिलता था सिर्फ साइंस एंड फिजिक्स। धीरे धीरे ये बढ़ेगा, बट फिलहाल के लिए हमने अभी एक सब्जेक्ट इसमें ऐड कर दिया है, दैट इज इंग्लिश। तो अब आपको 10th, 11th एंड 12th के लिए इंग्लिश भी मिलेगी और बहुत ही ज्यादा आपको शानदार कंटेंट मिलने वाला है गाइज, इतनी आसान भाषा में कि ये जो आपकी इंग्लिश को और ज्यादा आसान बना देगी। ठीक, तो कौन पढ़ाएगा इंग्लिश दैट आई विल सून रिवील यू गाइस, लेकिन अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, चलिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता हो सकता है ऑलरेडी। नाउ आगे बढ़ेंगे, विल दीज लेक्चर्स बी हेल्पफुल फॉर जेई एंड नीट। हां जी भाई, ये लेक्चर जेई और नीट के लिए हेल्पफुल होंगे। इस बार जो हम लेक्चर कवर करेंगे पूरी तरह से जेई एंड नीट के लिए ओरिएंटेड होंगे With your 11th and 12th. Now, आगे हम बात करेंगे कि सर टाइमिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो टाइमिंग क्या होने वाली है वीडियोस की, तो मैं आपको बता दूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे ज्यादा आइडिया लगेगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली पढ़ने वाले हो। ठीक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर टाइमिंग क्या रखनी चाहिए अपन को वीडियो की, मतलब टाइमिंग ड्यूरेशन मुझे बोलना चाहिए, है ना, कि आप कितनी बड़ी वीडियो देख सकते हैं, जैसे 30 मिनट्स, ठीक, 40 मिनट्स, 60 मिनट, या फिर आप मुझे बताओ कि सर टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बस वीडियोस बना दो। ईमानदारी से बताना, क्योंकि आप भी जो है ढेर हो जाते हो वीडियो देखते देखते। ठीक, चलिए, तो ये आप मुझे जरूर से बताएं टाइमिंग, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं। मेरा मानना है कि ये जो है ना 30-40 मिनट का जो सेशन होगा ना, ये बेस्ट होगा, और इस सेशन में हम क्या ही प्रोवाइड करा सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो ये टाइमिंग हो गया। अच्छा, एक और चीज, इसमें ना आपको जो ये लेक्चर्स होंगे ना, इन लेक्चर्स में मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं साथ में, ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि वन शॉट वीडियोस होंगी, ठीक, सारे टॉपिक वाइज हम डेरिवेशन कवर करेंगे, या मैं आपसे यहां पर कहूं कि डेरिवेशंस वन शॉट वीडियोस होंगी प्लस टॉपिक वाइज लेक्चर्स होंगे। नेक्स्ट आपको यहां पर मिल जाएगा डेरिवेशन। भाई ये चीज सबसे जरूरी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना बड़ी वीडियोस देखना पसंद नहीं करेंगे, वो सिर्फ डेरिवेशंस देखना पसंद करेंगे, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई हमारा टॉपिक क्लियर होता है, बस किसी स्टेप में हम पर्टिकुलर अटक जाते हैं, तो वो चीज भी मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कराने वाला हूं। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कई सारे बच्चों को नहीं क्लियर होता ससेप्टेबिलिटी क्या है,
हाँ, पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता कि भाई ये सारी ये छोटे छोटे टर्म्स क्या होते हैं, डाइइलेक्ट्रिक क्या है, तो ये सारी चीजें भी हम ये सेपरेट लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। सेपरेट छोटी छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, तो आपको वन शॉट वीडियो भी मिलेंगी, टॉपिक वाइज लेक्चर्स भी मिलेंगे, डेरिवेशन भी मिलेंगे अलॉन्ग विद स्मॉल कॉन्टेंट। हाँ, नाउ अब बात करेंगे भाई क्लास टेंथ के लिए क्या मिलेगा सर। तो टेंथ के लिए भी मैं सेम करने वाला हूं कि आपको वन शॉट लेक्चर मिलेंगे, वन शॉट लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, और आपको एक्टिविटीज के अलग से लेक्चर मिलेंगे, एक्टिविटीज वाले पोर्शन के, ठीक। इसके साथ साथ मैं आपके लिए भी टॉपिक वाइज, ठीक, स्मॉल टॉपिक जो होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ये टॉपिक भी मैं कवर करने वाला हूं इस चैनल पे अभी नाउ न्यू सेशन के लिए। तो अभी सवाल आता है सबसे जरूरी, यू गेट एवरीथिंग ऑन यूट्यूब बट व्हाट इज डिफरेंट सर, व्हाट इज डिफरेंट, अब तो मुझे जानना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इससे पहले भी ये ऐसा ना पहली बार नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं यहां पर कि देखिए मैं आपको ले चलता हूं अपने YouTube चैनल पे, तो YouTube चैनल पे मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा, जैसे कि चलिए तो देखो अभी हम ये चैनल पे आ गए हैं, चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आ जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में आ जाएंगे तो आपको ना यहां पर कुछ चीजें देखने को मिलेंगी जैसे That you won't find anywhere, guys. ये देखो ये videos, अगर ये पेज zoom हो जाए ना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये पेज अभी फिलहाल के लिए zoom नहीं हो रहा है। आप यहां देखेंगे कि आपको ऐसा content भी देखने को मिलेगा जो आपने नहीं देखा होगा। हाँ, और इस चीज को मैं आप पूरे प्रूफ के साथ अब अभी YouTube पर चेक करें क्या है भाई, quantization of charge in 3 minutes, पूरी स्टोरी के साथ। देखो बताने को ना कोई भी जो टॉपिक है ना वो 1 मिनट में भी बता दिया जा सकता है, ठीक, लेकिन अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें एक्सप्लेनेशन जरूरी होता है, क्योंकि देखो सेम लेक्चर जो 2 घंटे में भी होता है उसको आधे घंटे में भी कंप्लीट किया जा सकता है, तो उसके एक्सप्लेनेशन में जरूरत है। तो ये देख रहे हो शॉर्ट वीडियो है, जबकि इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे मैंने 1.5 घंटे का लेक्चर भी लिया हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको हर एक टॉपिक की इतने छोटे टाइम में वीडियो मिलेगी कि आपको मजा आ जाएगा। जैसे देखो गॉस थ्योरम इन 5 मिनट, और इस गॉस थ्योरम में मैंने आपको इस 5 मिनट मैंने आपको गॉस थ्योरम समझाई भी है और इसका डेरिवेशन भी कराया है। इस चीज को पूरे यूट्यूब पर देख लेना, इस वीडियो को देख लेना और बाकी वीडियोस देख लेना, आपको मजा आ जाएगा, बोला सर कुछ तो अलग है ही। जैसे कि आगे बढ़ेंगे, देखो जरा डिस्प्लेसमेंट करंट इन 5 मिनट, तो इन 5 मिनट में आपको पूरी स्टोरी मैंने यहां पर समझाई है, जो आप बहुत सारे बच्चे 25 मिनट में भी नहीं समझ पाते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर देखो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं ट्रांसफॉर्मर 5 मिनट में। अब ऐसा मत बोलना कि सर आप देखना इसमें देखोगे ना तो ऐसा लगा मुंह से मेरे गोली चले, धड़ 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 धड़, समझ रहे हो। आपके लिए ये जो कंटेंट है ऐसा होगा जिसमें आपका जीरो वेस्टेज ऑफ टाइम होने वाला है, है ना, क्योंकि मैं मुझे देखो ये देखो एडी करंट इन 5 मिनट, पोटेंशियोमीटर इन 5। अब पोटेंशियोमीटर को ना मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, जब मैंने खुद ने ये पोटेंशियोमीटर रिकॉर्ड किया था ना तो खुद में मैंने 6 बार रिकॉर्डिंग की थी, बात समझ में आ रही है। 6 बार रिकॉर्डिंग करने के बाद ये जो पोटेंशियोमीटर है ये 6 मिनट में हो गया, और एंड आई एम गिविंग यू चैलेंज गाइस कि आप 6 मिनट में इतना कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। आप मुझे एक वीडियो दिखा देना, नहीं मिलेगा। 5 मिनट में मैंने आपको गैल्वेनोमीटर इतनी डिटेल में आपको पढ़ा दिया है कि आपको मजा आ जाएगा। देखो 5 मिनट में कन्वर्जन विद एक्चुअल डेरिवेशन, ये देख रहे हो, ये 5 मिनट सीरीज है, ये 5 मिनट सीरीज है, आप ये व्हीटस्टोन ब्रिज पूरा 5 मिनट में है, ठीक है। टॉर्क वाला डेरिवेशन इतने डिटेल में समझाने के बाद ये 7-7, 8-8, 8-8 मिनट में, ये जो लेक्चर्स है ना ये लेक्चर्स इतने जबरदस्त हैं गाइस दैट डेफिनेटली दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपेंड अगेन, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो कंटेंट मिलने वाला है ये जबरदस्त होने वाला। तो अभी तो मैं आपको बताया था 5 मिनट सीरीज के बारे में, इसी तरह से मैं आपको अपने इतने लेक्चर्स बता सकता हूं जिसमें मैंने स्टूडेंट्स की टाइम की कवर जो है कदर करते हुए बहुत सारा कंटेंट ऐसा दिया हुआ है जिसमें आप यूट्यूब पर ढूंढते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। बोला सर ऐसे कैसे कह सकते हैं आप खुद से ट्राई कर लो। ये देखो मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, मैं सिर्फ अपने बारे में कह सकता हूं कि मैं बढ़िया पढ़ाऊंगा आपको, समझ पा रहा है आपको। तो आपको पता पड़ रहा होगा कि भाई क्या डिफरेंट है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो डिलीवरी होगी ना लेक्चर्स की, डिलीवरी होगी ना वो अलग होगी,
सबसे अलग होगी, सबसे धुआंधार होगी, क्योंकि आपको इसमें ना इतने कम टाइम में इतना जबरदस्त कंटेंट दूंगा, जैसे कई बार अपन ना आटा जो होता है ना भर जाता है, लेकिन और दबा दो तो वही कंटेनर में और आटा भर जाता है। तो इतना आटा हम अपने लेक्चर्स के अंदर भर देंगे कि आपको मजा आ जाएगा, समझे। तो ये जो है अलग होने वाला है पूरे YouTube पर। हाँ, हम तो सिर्फ अपनी बात कर सकते हैं। चलिए भाई, तो वीडियोस लाइव होंगी या रिकॉर्डिंग होंगी, तो मैं आपको बता दूं कि वीडियोस होने वाली है रिकॉर्डिंग प्लस 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 लाइव। रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में अगर आप लोगों के डाउट्स आते हैं तो उन डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ मैं टेलीग्राम चैनल बनाने की कोशिश करूंगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको पता पड़ जाएगा। जो भी रिकॉर्डिंग में आपको डाउट्स होंगे आप पूछें, मैं लाइव आकर के वीक में एक बार उन डाउट्स को लेने की कोशिश करूंगा। तो लेक्चर्स आपके रिकॉर्डिंग और लाइव होंगे, लेकिन आपको स्टम्प्ड कॉन्टेंट चाहिए, हाँ कम टाइम में दबा के कॉन्टेंट चाहिए, तो वो लाइव में तो पॉसिबल मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, सॉरी गाइस। हाँ जी, तो ये रिकॉर्डिंग में होगा, बिकॉज लाइव में 10 मिनट आना, 10 मिनट और बच्चों को आ जाने दो, फिर जाना, फिर बच्चे जो है पढ़ा हम कुछ रहे हैं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं अलग, ठीक, तो वही चीजें मुझसे थोड़ी सी नहीं झेली जा रही है। चलिए, तो इन सारी चीजों को देखो, मेन चीज ये है कि आपको क्वालिटी कंटेंट देना है जो सबसे अलग होगा, क्योंकि जब हम कुछ अलग देंगे तब हम कुछ अलग बनेंगे, और हमें भी थोड़ा सा दबा के मेहनत करनी पड़ेगी। नाउ अभी देखिए, देयर विल बी न्यू सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर ईच क्लास, तो क्लास 10th 11th एंड 12th के लिए अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। ओके गाइस, तो अभी आपको समझ आ रहा होगा कि अभी क्या ही होने वाला है। हाँ जी, अगर आप में से किसी को पता है इंग्लिश कौन पढ़ाने वाला है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अदरवाइज नई वीडियो आएगी तभी देख लेना, ठीक है। तो अब तो आप जान गए होंगे कि चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप बेल आइकॉन को हिट नहीं करते हो सो यू गाइज मस्ट डू दिस, आपको ये करना ही चाहिए। हाँ, तो बेल आइकॉन को हिट करो, क्योंकि अगर आप ये छोड़ दोगे ना तो नोटिफिकेशन कैसे जाएगी। गाइस कमेंट करो, मुझे कमेंट करके बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आपको कुछ और पूछना है। हाँ जी भाई, नोट्स वगैरह के लिए जो भी लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाएंगे ना उसी के नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे।